हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सीमा पाउडर से गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी और ये बिल्कुल भी नहीं फटती हैं। आप इस तरीके से बनाइए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे फट जाते हैं। अगर आपके फट जाते हैं तो ये आप कर सकते हो। जो मैं ट्रिक बताऊँगी आप उस तरीके से बनाओगे तो आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। वैसे मेरे बिल्कुल नहीं फटते, वो वैसे सीमा पाउडर से भी बनाते हैं ना, सिंपल भी बनाओ तो भी नहीं फटते। लेकिन आपके अगर फटते हैं तो आप ऐसा कीजिए। ये देखिए, मैंने सीमा पाउडर ले लिया और ये मैंने दूध, गुनगुना दूध है, और इससे थोड़ा सा ये आटा लगा लेंगे हम। इसका पतला आटा लगाना, ध्यान रहे, मोटा नहीं लगाना हमें। मोटा ज़्यादा टाइट आटा लगाएंगे तो फटने का तो रहेगा ही, तो आप एकदम ढीला ढीला आटा लगाइए इस तरह से। आपसे ढीला नहीं लगता तो अब ये एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। आप इससे जैसे बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पनीर ले लेंगे, थोड़ा सा, अब उसको हम इसमें किस लेंगे इस तरह से, और इसको हम मिला लेंगे इसमें। अच्छे से मिलाएंगे इसको तो ना बिल्कुल नहीं फटेंगे आपके। अगर ऐसे फटते हैं तो आप पनीर मिला के या फिर एक चम्मच सूजी का डाल दें छोटा सा, तो उससे भी बिल्कुल नहीं फटते। अब इसको हम ऐसे अच्छे से चिकना बना लेंगे, आटा लगा लगा के ऐसे हथेलियों की सहायता से इस तरह से। अब ये देखिए, एकदम चिकना आटा बन गया हमारा। ये देखिए, बिल्कुल भी चिपका नहीं ना बर्तन में। अब ये अच्छे से लग गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। बस यही तरीका है इसका। आप चिकना बना लो, पनीर डाल दो या फिर सूजी डाल सकते हो थोड़ी सी, तो उससे भी नहीं फटेंगे आपके। अब ये देखिए, 10 मिनट बाद मैंने और दोबारा इसको और चिकना बनाएंगे बनाते टाइम। अब इसके हम गोले बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने हाथ में थोड़ा सा घी लिया है और इसको बस ऐसे गोला, जितने आपको बड़े चाहिए छोटे चाहिए, क्योंकि छोटे ही बनाना क्योंकि ये सीरप में जाके फूल जाते हैं। तो आप या तो इस तरह से ये डिजाइन में भी बना सकते हो या फिर आप गोल बना सकते हो। तो गोल के लिए ये देखिए, छोटा सा ऐसा लेंगे हम और इसको चिकना ऐसे हल्के हाथों से, जो ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे नहीं तो अंदर सिरप नहीं जाएगा, हल्के हाथों से इसको दबाएंगे और अंदर एकदम बहुत ही अच्छी जाली पड़ती है और एकदम बहुत ही ज़्यादा इसमें अंदर तक शुगर चला जाता है ना इस तरीके से बनाएंगे तो। तो ऐसे करके मैं बना लेती हूँ। इस तरह से चिकना करना है, मतलब कोई दरारें नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। बस यही ध्यान से देखिए, तो यही तरीका है बनाने का, बिल्कुल नहीं फटते। इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे तो मैडम फट जाते हैं, तो आप इस तरह से बनाइए तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे, थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने बर्तन में गुड़ पानी लिया और उसमें गुड़ डाल दिया है। 150 ग्राम के करीब गुड़ है। अब इसको ये देखिए, मेल्ट हो गया ना, तो अब इसमें छान लेंगे इसको हम, ताकि कोई भी कचरा वचरा हो तो वो निकल जाए। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। बर्तन में डाल दिया और इसको जैसे चिपचिपी सी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनानी नहीं है हमें, चिपचिपी सी होनी चाहिए। तो ये देखिए, उबल रही है ये अच्छे से। इधर देखिए, कढ़ाई में मैंने घी गर्म कर लिया। घी में, तेल में, किसी में भी बना सकते हो इसको, जो आपको सही लगे। अब ये देखिए, हमारा ये शुगर सिरप अच्छे से बन गया और गुड़ से बनाओ आप, बड़ी टेस्टी लगती हैं। अब ये देखिए, हल्का सा चिपचिपा हो गया, तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी, ये तैयार है। अब ये देखिए, इसको तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म हो तो इसमें ये हम गोले डाल देंगे। एकदम ज़्यादा गर्म में डालोगे तो ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये थोड़ा सा गुनगुना सा ऐसा हो ना, तभी इसमें डाल देना। इस तरह से मैं सारे ही डाल देती हूँ और धीमी आंच पे इसमें अच्छा सा कलर आने तक इसको हम पकाएंगे। तो ये सारे ही डाल देती हूँ मैं,
और इसको हिलाएंगे नहीं जैसे चम्मच से, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। इसको कढ़ाई को हिलाएंगे हम, या फिर साइड में ऐसे थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे तो अपने आप ये तो जैसे ऊपर आ जाते हैं सिक्के। ये देखिए, और इनकी साइज़ भी बड़ी होने लगती है, आप देख सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना कि ज़्यादा मोटे गोले नहीं बनाना, अपने को छोटे छोटे गोले बनाने हैं। अब बस ऐसे कढ़ाई को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक ऐसे हिलाइए, तो ये अपने आप पलट पलट के सीखेंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। देखिए कितने फूल गए हैं अभी, और फिर ये हम सिरप में डालेंगे तो और फूलेंगे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप इसके गोले छोटे बनाएं। देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं, एक भी नहीं फटा। देखिए इस तरीके से भी आप बनाओ। अब देखिए हल्का हल्का कलर आ रहा है ना इसमें, और धीमी आंच पे बन रही हैं आराम से। ऐसे गुलाब जामुन को ना हमें पलटना नहीं है, बस ऐसे मतलब तेल को ये साइड में इसको हिलाना है, मतलब इस तरह से ऐसे करके धीरे धीरे, जब तक इसमें अच्छा सा कलर जैसा आपको डार्क चाहिए लाइट चाहिए। हम बिल्कुल मार्केट वाला कलर लाएंगे इसमें, जैसा मार्केट में हमें गुलाब जामुन मिलती है ना उसी तरह का कलर इसमें आएगा। ये सीख रही है, जब तक हम ये हमारा सीरप है नहीं गुड़ का, इसको हम एक बर्तन में डाल देते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया, कितनी बढ़िया बनी है, देखिए आप खुद देख सकते हो। अब ये हो गई तैयार, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अब इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में। आप इस तरीके से बनाइए, कोई भी ओकेजन हो गुलाब जामुन तो सभी को पसंद आती है, बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है, बहुत ही अच्छी। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप देख सकते हो, मेरी कभी गुलाब जामुन नहीं फटी। इस तरीके से बनाई है, अलग तरीके से जान कितने तरीके से बना रखी है मैंने, बहुत सारी आप देख सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसमें सिरप में डाल दी है, और पतली चाशनी का यही फायदा है कि ये अंदर तक चली जाती है, गुलाब जामुन जाली बनती है, पनीर डाला है तो इसमें एकदम जाली बन जाएंगी अंदर, और अंदर तक ये इसमें चला जाएगा। तो हमारी गुलाब जामुन एकदम तैयार है, इसको आधा एक घंटे के लिए रख दे, उसके बाद ये फूल जाएंगी अंदर तक, इसमें ये सिरप चला जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई भी त्यौहार हो, बच्चों का बर्थडे हो, वैसी पार्टी हो, कभी बना के रखो, खाओ, इन्जॉय करो, बहुत ही टेस्टी है। देखिए कितनी फूल फूल के, कितनी बड़ी एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हुई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।